हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर 14 डिवीजन पार्ट टू हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले तक हमने पेज नंबर 81 तक कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 82 को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। पेज नंबर 82 से आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ 126 पेपरमिंट स्वीट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 9 चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 126 पेपरमिंट स्वीट्स हैं जो डिवाइड किया जा रहा है 9 चिल्ड्रंस के बीच में। तो एक चाइल्ड को, एक बच्चे को कितना पेपरमिंट स्वीट मिलेगा, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे डिवीजन। 126 को डिवाइड करेंगे हम 9 से। तो 9 के टेबल में आपको देखना है 1 कहाँ पर आता है, तो 9 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो ये स्मॉलर नंबर है। हम क्या करेंगे, आप साइड में 0 लगाएंगे। 9 जीरोज आ, यहाँ पर आपको 0 लगाना है। माइनस करोगे 1 आएगा। अब देखिए, हम ये स्टेप एक ही बार करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस 1 को बिगर बनाने के लिए 2 को नीचे लाना पड़ेगा। अब 9 के टेबल में 12 नहीं आता है, लेकिन 12 से हमें स्मॉलर मिल जाएगा 9। तो 9 वन ज़ा, यहाँ पर 9 होगा। माइनस करोगे 12 माइनस 9, यहाँ पर 3 मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पर अगेन स्मॉलर नंबर मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, बिगर बनाएंगे इस 6 को डाउन साइड में लाकर। तो डाउन साइड लाओगे तो ये 36 हो जाएगा। अब 9 के टेबल में 36 आता है, यस आता है। 9 फोर ज़ा 36 होता है। माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 0 मिलेगा। अब आगे हम डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 आ गया। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, 14। हर एक बच्चे को 14 स्वीट्स मिलेगी। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, ईच चाइल्ड विल गेट 14 पेपरमिंट स्वीट्स। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, इन अ फील्ड इफ 987 सैम्पलिंग्स आर प्लांटेड इन 7 रोज विद एन इक्वल नंबर ऑफ सीडलिंग्स इन ईच रो, हाउ मेनी सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन ईच रो। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक फील्ड है जिसमें 987 सैम्पलिंग्स है और 7 रोज हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कितनी सीडलिंग्स को प्लांट आप कर पाओगे एक रो में। तो आपको क्या करना होगा, दो नंबर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, 987 एंड 7। तो डिवाइड करना होगा आपको 7 को 987 से। यहाँ पर आप लिखोगे 987 और यहाँ पर लिखोगे 7। 7 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन स्मॉलर मिल जाएगा आपको 7। तो 7 वनजा, यहाँ पर 7 आएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अब देखिए, 2 जो है स्मॉलर है, 8 को डाउन साइड अगर आप लेकर आते हो तो 28 हो जाएगा। तो अब 7 के टेबल में 28 आता है क्या, यस आता है। 7 फोरजा 28 होता है। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है 7, इसको भी डाउन साइड लेकर आना है। तो 7 वनजा, यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। माइनस करोगे तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, 141। फाइनल आंसर आप लिखोगे, 141 सीडलिंग आर प्लांटेड इन ईच रो। एक रो में आप 141 सीडलिंग्स प्लांट कर सकते। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ अ हॉस्टल हैज 132 स्टूडेंट्स विद 3 स्टूडेंट्स इन 1 रूम, इन हाउ मेनी रूम्स आर द स्टूडेंट स्टेइंग। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक हॉस्टल है जिसमें 132 स्टूडेंट्स स्टे कर रहे हैं, एक रूम में 3 स्टूडेंट्स हैं। आपको ये बताना है कि कितने रूम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो सिंपली आपको डिवाइड करना होगा 3 को 132 से। तो देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, स्मॉलर नंबर आता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 0 लगाते हैं। 3 जीरो जा, यहाँ पर 0। माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को डाउन साइड में लेकर आएंगे। तो अब ये 13 हो गया। 3 के टेबल में 13 या 13 से स्मॉलर नंबर देखिए, 3 फोर ज़ा 12 होगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर 0। अब देखिए, अगेन इस 1 को बिगर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को डाउन साइड लाना होगा। तो ये 12 हो गया, अभी हमने किया 3 फोर ज़ा 12। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। 0 0 आने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये फाइनल होता है। अब आपको आंसर क्या मिला, 44। फाइनल आंसर आप लिखोगे, इन 44 रूम्स स्टूडेंट्स आर स्टेइंग। तो वहाँ पर उस हॉस्टल में 44 रूम्स जो है वो ऑक्यूपाई थे। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको कहा जा रहा है, हाउ मेनी बुकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम 340 फ्लावर्स, 8 फ्लावर्स इन ईच बुकेट, हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कितने बुके बन जाएंगे 340 फ्लावर्स से, अगर 8 फ्लावर्स एक बुके में है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपको ये पूछ रहे हैं कि 340 फ्लावर्स से कितने बुके बनेंगे, जबकि 8 फ्लावर से एक बुके बन रहा है। और आपको ये भी पूछ रहे हैं कि लास्ट में कितने फ्लावर्स लेफ्ट रह जाएंगे। 340 को 8 से डिवाइड करना होगा। तो आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 8 के टेबल में आपको 3 नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगाओगे और डाउन साइड में भी 0। 8 0 ज़ा 0। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा।
इस 4 को डाउनसाइड लेकर आ जाओ, 34 हो गया। आप देखिए 8 के टेबल में 34 या 34 से स्मॉलर नंबर आपको कहाँ मिलता है, तो 8 फोरजा होता है 32। माइनस करोगे यहाँ पर आपको 0, यहाँ पर 2 मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो 0 है इसको भी डाउनसाइड लेकर आ जाओ, 20 हो गया। 8 टूजा यहाँ पर 16 मिलेगा, माइनस करोगे तो 4 मिलेगा और यहाँ पर 0। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास रिमाइंडर में 4 बच जाता है और अपसाइड में 42 मिला। तो आंसर आप लिखोगे देयरफॉर 42 बुकेट्स कैन बी मेड, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर आपको पूछा था हाउ मेनी बुकेट्स कैन बी मेड, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 42 बुकेट्स कैन बी मेड। सेकंड क्वेश्चन आपका था हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर, यहाँ पर आपके पास 4 फ्लावर्स बच जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे 4 फ्लावर्स विल बी लेफ्ट ओवर, लास्ट में आपके पास 4 फ्लावर्स बच जाएंगे। तो ये है पूरा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है इफ़ वी पुट 6 बिस्किट्स इन 1 पैकेट हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम 600 बिस्किट्स। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 6 बिस्किट को एक पैकेट पे हम अगर पुट करते हैं तो ऐसे 600 बिस्किट्स आपको दिए जाएंगे, तो कितने पैकेट्स वहाँ पर रेडी हो सकते हैं। एक पैकेट में 6 बिस्किट है तो ऐसे आप कितने पैकेट्स तैयार कर सकते हो 600 बिस्किट में, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंपल है, आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 600 को 6 से। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 1 6 माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, इस 0 को नीचे लेकर आ जाओ तो 6 0 0 आ जाएगा, माइनस करोगे यहाँ पर भी 0, ये वाले 0 को नीचे लेकर आओगे अगेन 6 0 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। अब इसके आगे हम नहीं पढ़ सकते, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे बच्चों, 100 पैकेट्स कैन बी मेड, 600 बिस्किट से आप 100 पैकेट्स बना सकते हो। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सोल्यूशन। चलो जल्दी से देख लो और इसको भी नोट कर लो। यहाँ पर आपका पेज नंबर 82 कंप्लीट होता है और चैप्टर 14 डिवीजन पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।